बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन की फिल्म बेगम जान आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। बेगम जान साल 2015 में आई बंगाली फिल्म राजकहिनी का ही हिंदी रीमेक है। फिल्म की कहानी अंग्रेजों से मिली आजादी के बाद हुए विभाजन पर आधारित है, जिसमें विद्या वेश्या घर की मुखिया की भूमिका निभा रही है। फिल्म का निर्देशन सुजीत मुखर्जी ने किया है, जहां इस फिल्म को कई मशहूर हस्तियों सहित क्रिटिक्स से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। वहीं अब देखते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद मुंबई की ऑडियंस का क्या कहना है। क्लास एक्टिंग थी एकदम, गौहर खान सबके एक्टिंग को बेस्ट थे। स्टोरी की बेस्ट पार्ट पूरी स्टोरी अच्छी है, बेस्ट पार्ट कुछ है। मूवी इज वेरी गुड, वेरी नाइस, आई लाइक। एंड व्हाट अबाउट द एक्टिंग ऑफ एक्टिंग वेरी गुड, वेरी नाइस एक्टिंग, एवरीबॉडी डिड वेरी वेल। श्रीजीत सर डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन इट। एंड अगेन लाइक देयर इज अ सेइंग व्हाई विद्या बालन कॉल्ड एज मिस परफेक्शनिस्ट, she proved herself. I mean, round of applause. Others, Ila role? Ila role was also fab. Gohar, I must say, in a totally drastic opposite of what she has been regularly doing her job. Yeah, of course, Gohar as well played a fantastic role. तो सभी ने विद्या का दमदार किरदार काफी पसंद किया है। विद्या के साथ साथ सभी ने गौहर खान के काम की भी काफी तारीफ की है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सभी ने फिल्म को कितने स्टार्स दिए हैं। 5 stars, 4, like 4, 4, 5 out of 5. महेश भट्ट द्वारा निर्मित इस फिल्म में चंकी पांडे भी नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने कमाई करती है। Honest Report.